भाई लाइट्स आउट। जब भी अपने वर्कआउट स्टार्ट करना होता है तो उसी टाइम पे लाइट चली जाती है भाई। पता नहीं ये कैसा दस्तूर है। वैसे तो मेरा इंटेंशन नहीं था, बट ये वर्कआउट चलो कैरी है। वर्कआउट करने आया और लाइट ने धोखा दे दिया और नीचे इन्वर्टर का कनेक्शन है नहीं, जो एक्चुअली मैं थोड़े दिन में लगा लूँगा। तो मैंने बोला आ गए तो वर्कआउट करके ही जाते हैं, थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो रात का वर्कआउट पूरा ना होने की वजह से मैंने सुबह सुबह फिर से वर्कआउट करने का डिसाइड किया। दरअसल मैं एक किताब पढ़ रहा था गैरी केलर की, द वन थिंग। उसमें लेखक बताते हैं कि हमें एक्चुअली किसी भी चीज़ को शुरू करके उसे बीच रास्ते में छोड़ना नहीं चाहिए। उस बुक में एक फ्रेज़ है, बी लाइक ए पोस्टेज स्टैम्प, स्टिक टू वन थिंग अंटिल यू गेट देयर। जैसे कोई पोस्ट कार्ड पे स्टैम्प लगा होता है, उस तरह जब वो चिट्ठी पर लग जाता है तो चिट्ठी जहाँ जानी होती है तब तक वो उसके साथ ही चिपका रहता है। वैसे ही हमें अपने गोल्स के साथ तब तक चिपके रहना चाहिए जब तक गोल्स अचीव नहीं हो जाते। दूसरा पॉइंट मैं जो इस वीडियो में कवर करना चाहता था वो हमारे जूतों को लेके है। तो मेरा फ्रेंड एक मुझसे बहस कर रहा था कि जूतों शूज़ एक्सपेंसिव शूज़ बहुत ज़रूरी है वर्कआउट और एक्सरसाइज के लिए। तो मैं उसे बता रहा था कि हमारे जो पुराने हीरो हैं, वॉरियर्स हैं, महाराणा प्रताप सिंह, हरी सिंह नलवा, उनकी अगर फ़ोटोज़ देखें और उनकी अगर कहानियाँ सुने तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली उनका जो शूज़ या फिर बाकी आर्मर था वो बेसिक था, जो हमारी जूती जैसे होते हैं। डेफिनेटली वो थोड़ा तीरों से और बाकी हैवी मेटल से बचने के लिए बना था, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हम हमेशा एक्सपेंसिव जूते पहन के ही वर्कआउट करें। लोग नंगे पाँव भी एक्सरसाइज करके काफ़ी अच्छी वर्जिश कर लेते हैं और बॉडी बना लेते हैं। तो हर एक चीज़ में मेरे ख्याल से हमें अपना खुद का स्टाइल ईजाद करना चाहिए। उसमें कोई सा हमारा पर्सनल ओपिनियन भी होना चाहिए, रादर देन जो ग्लोबल लेवल पे कल्चर फॉलो होता है उसी को ब्लाइंडली फॉलो करने से अच्छा है हम हर एक चीज़ को गहराई से सोचें और उसमें जो हमें सही लगता है उस हिसाब से उसको मोल्ड करें, पर्सनलाइज करें अपने खुद के लिए। चलो दोस्तों, आज के लिए शुक्रिया। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। मैं ऐसे ही और वीडियोस आगे बनाता रहूँगा और आपसे शेयर करूँगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय। तो हमारे यहाँ पे आ गई है सुबह की प्रभात फेरी। ये जनवरी की लास्ट प्रभात फेरी है और हमें ऑलमोस्ट मिस कर दिया।